हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फादर्स डे आ रहा है तो मैंने सोचा चलो कुछ डीआईवाई करते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ ये ट्रांसपेरेंट फ्रेम। उसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रिड आउट ओपन किया है। आपके पास जो भी कोलाज वाले ऐप्स हों आप वो ओपन कर लो और कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लो जो जो भी आपको अपने फ्रेम में लगाना हो। तो मैंने यहाँ कुछ ये फोटोज सेलेक्ट की है जिसमें से कुछ स्टिकर्स की भी फोटोज थी क्योंकि मुझे स्टिकर्स बनाना पड़ता और मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो प्रिंट ही करा लेते हैं। तो जिस भी हिसाब से आपको चाहिए A4 साइज पे आप उस हिसाब से इसको अच्छे से लगा सकते हो। मैं ये फ्रेम बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने फोटोज छोटे छोटे ही लगाए हैं और स्टिकर्स बड़े बड़े लगाए हैं क्योंकि स्टिकर्स थोड़े बड़े चाहिए थे मुझे। फिर आप इसमें ऐसे ही एडजस्ट करके इसको सेव कर लो। और यहाँ मैंने प्रिंट करा लिया और आधा कार्ड भी लिया है, फिर मैं रिकॉर्ड करना शुरू की हूँ। तो इसको पहले आप जो भी इमेजेस आपने प्रिंट कराया था उसे कट कर लो। मैंने कुछ कुछ कर लिए हैं पर स्टिकर्स मैंने अभी पूरी नहीं की है क्योंकि जो जो रिक्वायर्ड होगा मैं उस हिसाब से कर लूँगी। फिर यहाँ पे लिया है मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट जो कि मुझे मिला है केवल 5 रुपीज़ का। जी हाँ, बहुत ही सस्ता और बहुत ही एस्थेटिक सा फ्रेम बनेगा इससे। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतने कम पैसों में इतना अच्छा फ्रेम बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इस फ्रेम को हाफ कट कर लेना, आप चाहो तो फुल कट भी कर सकते हो पर मैं हाफ बना रही हूँ। करने के बाद फिर यहाँ पे मैं एक नोट लिख रही हूँ क्योंकि मैं फादर्स डे पे ये बना रही हूँ तो मैंने फादर्स डे के हिसाब से नोट लिखा है। आप चाहो तो नोट नहीं भी लिख सकते हो, जो भी आपको चिपकाना है अंदर लगा सकते हो, या फिर आप केवल फादर्स डे के लिए नहीं बर्थडेज और या फिर एनिवर्सरी इन सब ओकेजन्स पे भी ये फ्रेम बना के दे सकते हो। तो इसे आप अपने हिसाब से लगा लो। मैं यहाँ पे पहले डिसाइड कर रही हूँ कि क्या कौन कहाँ लगेगा, एक एक करके मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। और अब मैंने ये स्टिकर्स भी कट कर लिए हैं छोटे छोटे जो कि बड़े ही क्यूट लग रहे थे। वैसे तो ये फ्रेम मार्केट में आप जाओ तो 500 या 500 प्लस ही मिलता है, पर मुझे भी ये बहुत पसंद था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ऐसा कुछ बनाने का, पर ये इतना एक्सपेंसिव था कि मैं ख़रीदती नहीं थी इसे। फिर मुझे एक बार ये आइडिया आया कि अरे अगर एक्सपेंसिव है तो इसका कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो फिर मुझे आइडिया है कि अरे हम तो इस ट्रांसपेरेंट शीट पे भी बना सकते हैं। तो फिर जब मैंने इसके बेस को पूरा रेडी कर लिया है और उसके ऊपर एक और मैंने ये शीट चिपका दी है जिससे कि ये हमारा सिक्योर हो गया है बिल्कुल अच्छे से। इसको ये सूख जाने देंगे थोड़ा टाइम तक और सूख जाने के बाद हम इसके साइड साइड में एक पंच करेंगे क्योंकि हमें इसे हैंग करना है। तो हम इसमें पंच करके ही अपना वो जो चेन होगा वो लगाएंगे। और बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे शिल्पकार यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पेपर के रोल्स बना के लगा सकते हो या फिर जो बारबेक्यू स्टिक्स होता है आप वो भी स्टिक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें बस इसका साइड साइड का कवर थोड़ा सा थिक और मजबूत चाहिए था और मेरे पास शिल्पकार पड़ा हुआ था और तो मैंने सोचा यही लगाते हैं क्योंकि ये सूखने के बाद काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो जब ये सूख गया था तो मैंने इस पे गोल्डन कलर कर दिया। तो अब इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ये केवल 5 रुपये में बना लिया और उन 500 वाले फ्रेम्स को डिच कर दिया। अब लगाते हैं हम इसमें एक चेन। तो ये चेन भी मैंने नहीं ख़रीदा है, मेरे पास था एक ऐसे ही चेन का नेकलेस था पर हम पहनते नहीं थे इसे पता नहीं क्यों। तो और ये रखे रखे इसका कलर भी निकल रहा था तो मैंने सोचा कि इसमें यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो पहले हम एक साइड में लगा के जंप रिंग से उसे अटैच कर देंगे पर उसे पूरा बंद नहीं करेंगे और दूसरा कॉर्नर भी हम वहीं पे लगा देंगे क्योंकि मेरा चेन थोड़ा लंबा था तो मैंने यहाँ पे डबल करके लगा दिया है। आपका चेन छोटा हो या आपको ऐसे लंबे हैंगिंग चाहिए तो आप लंबे पे बना सकते हो। तो ये हमारा ग्लास क्लियर फ्रेम रेडी हो चुका है। आप बताओ ना आपको कैसा लगा ये, और ट्राई ज़रूर करना इस फादर्स डे पे आप थोड़ा सा अलग डिफरेंट कुछ दो अपने पापा को। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट्स। रिक्रिएट कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।